नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर। काफ़ी बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है नई भर्तियों को लेकर के। जैसे कि लगातार कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब नई भर्ती के लिए विज्ञापन जो है वो देखने को मिलेगा, तो फाइनली 1 नवंबर से आप लोगों की नई भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके लिए आखिरकार मंजूरी जो है मिल चुकी है। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलो जी फाइनली स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो कि लेखपाल भर्ती 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ग्रामीण प्रवेश और GS को लेकर के अक्सर टेंशन में रहते हैं कि आखिरकार इसकी तैयारी कैसे करें। तो हमारी टीम के द्वारा ग्रामीण प्रवेश और GS के लिए संपूर्ण नोट्स जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं। अगर ग्रामीण प्रवेश के नोट्सों की बात करें तो इन नोट्सों में आप लोगों को 1000 से ज़्यादा MCQs क्वेश्चन विद थ्योरी पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ग्रामीण प्रवेश के ये जो नोट्स तैयार किए गए इनमें ना केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा जितने भी अपने पड़ोसी राज्य हैं, अगर उनमें कोई भी लेखपाल या पटवारी की परीक्षा हुई है और वहाँ पर ग्रामीण प्रवेश के कोई भी प्रश्न पूछे गए तो सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को हमारी इस सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप इनको डाउनलोड कर सकते। तो इसके अलावा GS की बात करें तो GS में वन लाइनर्स 1000 मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज तैयार की गई है। देख सकते हो आप लोग इस तरीके की सीरीज रहने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर के आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फाइनली मुद्दे पर आते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो आप लोग योगी सरकार की तरफ से दशहरा का तोहफा दिया गया है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 नवंबर से जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और इसके अलावा जुलाई में जो है ये भर्ती पूरी कर दी जाएगी। कुल मिलाकर अगर हम पदों की बात करें तो 56,880 पद जो हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग लिखा भी हुआ है कि योगी सरकार ने दशहरा का तोहफा देते हुए पुलिस के कुल मिलाकर के 56,880 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। सिपाही, बंदी रक्षक, फायरमैन के साथ साथ तमाम और भी जो पद हैं उनके लिए भर्ती प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी और अगले वर्ष जुलाई के अंत तक चलेगी। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि DGP की ओर से UP पुलिस भर्ती एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो बहुत ही जल्द आप लोगों को इसके लिए प्रोसेस शुरू होती दिखाई पड़ेगी। जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कहा गया था कि 3 महीने के अंदर परीक्षा और 6 महीने के अंदर नियुक्ति, तो फाइनली कुछ हद तक योगी आदित्यनाथ जी की बात असर करती दिखाई दे रही। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से ये बात कही थी क्या वो समय रहते पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। बट काफ़ी अच्छी खबर है, चलो आखिरकार लेट ही सही बट प्रक्रिया आखिरकार शुरू तो होगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या आयोग समय रहते जिस तरीके से विज्ञापन न्यूज़पेपर में दिया गया है उस हिसाब से भर्ती कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है यूपी के भर्ती के मामले में, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।